गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन के बॉटनी के पेपर थ्री में कोशिकांगों की संरचना, उनके कार्य पढ़ने के क्रम में आज हम गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जीवों की कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबद्ध कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि समूहों में पाए जाते हैं और वो झिल्लियों के द्वारा निर्मित होते हैं और वो फ्लूइड फील्ड होते हैं, उनमें द्रव भरा रहता है। इनको हम गोल्गी बॉडी अथवा गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को सर्वप्रथम एल सेंट जॉर्ज ने 1867 में खोजा, किंतु कैमिलो गोल्गी ने 1885 में इन्हें तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं में देखा और उन्हीं के नाम पर इनको गोल्गी बॉडीज इनको नाम दिया गया। ऑकरेंस उपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडीज पाई जाती हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जैसे परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं, स्पर्म सेल्स में, इसके अलावा कुछ पादप समूह की कोशिकाओं जैसे कि फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स तथा संवहनी पादपों की जो सीव ट्यूब्स होती हैं, इनमें इनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि ये चपटी थैलीनुमा संरचनाओं से बने जाल की तरह दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। और इनका इसमें कुछ कद्रों में इनका जो वितरण है वो भी स्पेसिफिक होता है। जैसे कि जो कशेरुकी प्राणी है उनमें इनका नियत होता है, किंतु जो अकशेरुकी प्राणी तथा पादप कोशिकाओं में ये प्राय कोशिका द्रव्य में पूरी तरह से डिफ्यूज्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है साइज एंड शेप। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में उनकी सक्रियता के आधार पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी संरचना और अपना आकार जो है वो बदलता रहता है। अधिक सक्रिय कोशिकाओं में जैसे कि सेक्रेटरी सेल्स और तंत्रिका कोशिकाओं में ये पूर्ण रूप से विकसित और जाल के समान दिखाई देता है, जबकि जो पोषण रहित और असक्रिय कोशिकाएं होती हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम एक्टिव होती हैं, उनमें ये कम विकसित होता है। यानी कि इसकी जो साइज है और वो जो इसकी शेप है वो इसकी कहाँ पर ये उपस्थित है, कौन सी कोशिकाओं में ये उपस्थित है, उस पर निर्भर करता है। अगर ये सिक्रेटरी सेल्स में है तो ये अधिक विकसित होगा, और अगर ये सिंपल एंड लेस एक्टिव सेल में है तो ये कम विकसित होगा। पादप कोशिकाओं में इसका जो परिमाप है वो 1 से 3 माइक्रो एमयू लंबा और 0.MU ऊंचा होता है। अब हम आते हैं संरचना पे, स्ट्रक्चर पे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर एक पूर्ण विकसित जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो एक कचरी की तरह दिखाई देता है। आगे हम इसका डायग्राम हम देखेंगे। अभी हम इसकी क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं हम उनको समझ लें, इसके बाद में हम इसका डायग्राम देखेंगे, इसमें हम विस्तार से इसको समझेंगे। तो ये एक फ्लैटेंड कचरी की तरह दिखाई देता है, जिसमें हमें चार प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। पहली जो है वो फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्नी, दूसरा है क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, तीसरा सिक्रेटरी वेसिकल्स और चौथा है लार्ज वेसिकल्स, जिनको हम वैक्यूल्स भी कहते हैं। अब इसका ये डायग्राम है जिसमें हमने इनको शो किया हुआ है। नंबर 1 पे सिस्टर्नी, जो सिस्टर्नी है ये थैलीनुमा चपटी और लंबी और नलिकाकार फ्लूइड फील्ड जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनकी जो संख्या है प्रत्येक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इनकी संख्या 4 से 7 तक हो सकती है, और जो उच्च श्रेणी के जीव हैं वहां पर इनकी संख्या जो है एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 30 तक भी हो सकती है। प्रत्येक जो सिस्टर्नी है ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर से बंधी हुई होती है।
सेकंड आता है क्लस्टर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. दिस इज वेसिकल्स. यहाँ पे इस डायग्राम में अलग नाम दिए गए हैं इसको, बट वही है. ये छोटी बूंदों के समान संरचनाएं होती हैं. ये वेसिकल्स जो हैं, ये गोल गोल जो हैं, ये छोटी बूंदों के समान स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका जो व्यास है वो 600 एंगस्ट्रॉम तक होता है. और ये इनका जो निर्माण है वो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल से बडिंग के द्वारा उनके सिरों पर कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होने से होता है. इस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से बाहरी हाइलोप्लाज्म में बिखर जाती हैं और सिस्टर्नी से नलिकाओं से दो प्रकार की पुटिकाएं जुड़ी हुई होती हैं. नेक्स्ट इज स्मूथ सिक्रेटरी वेसिकल्स. 4 नंबर स्मूथ सिक्रेटरी वेसिकल्स. इनकी सतह चिकनी होती हैं और ये जो है इनमें सिक्रेटरी मटेरियल इनमें पाया जाता है, इसलिए इनको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं. इसी में ही जो ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये स्मूथ वेसिकल्स होती हैं, रफ वेसिकल्स होती हैं. दो प्रकार की होती हैं. जो रफ वेसिकल्स होती हैं, इनकी जो सरफेस है वो रफ होती है, और स्मूथ की जो सरफेस है वो स्मूथ होती है. इसी आधार पर इनको हमने दो में वो किया है. और नेक्स्ट इज वेक्यूल्स. ये बड़े थैले जैसे अनियमित जो है ग्रंथिल रचनाएं हैं, जो कि बल्गरी बॉडी के परिपक्व मुख की तरफ पाई जाती है. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इसकी तीन स्रोतों से इसकी उत्पत्ति हो सकती है. फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. 1965 में ब्रुच ने बताया कि जो ब्राउन एल्गी है उनके केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली से कुछ पुटिकाएं कटती हैं. जो केंद्रक का आवरण है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, उसका जो बाहरी झिल्ली है उससे कुछ वेसिकल्स बनती हैं. वे डिक्टियोसोम के निर्माण मुख पर एकत्रित होकर सिस्टर्नी बनाती हैं. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ब्राउन एल्गी में जो है इनको देखा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनते हुए. फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कुछ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने वो गोल्गई कॉम्प्लेक्स को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बना हुआ हिस्सा मानते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में संरचनात्मक संबंध होता है. संरचनात्मक संबंध होता है, दोनों दिखने में काफी कुछ इनमें सिमिलरिटी होती है. तो दोनों कोशिकाओं की झिल्लियों में थायमिन पायरोफॉस्फेट क्रिया पाई जाती, फॉस्फेटेज क्रिया पाई जाती है. तो इस प्रकार से हम इनको जो है इससे जोड़ सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ होगा. एंड कुछ जो है वो रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होते हैं और रासायनिक संरचना में भी उससे भी समानता रखते हैं. और कोशिकाओं के बाहर पदार्थ के कोशिका के बाहर श्रवण के लिए पुटिकाएं पहले प्लाज्मा कला में हैं, आती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं. इस प्रकार से वो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो प्लाज्मा कला का हिस्सा बन जाता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी हो सकती है. अब हम देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन. फॉस्फोलिपिड 1. जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो मुख्य रूप से जो है ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है. और इसमें जो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें मुख्य जो फॉस्फोलिपिड घटक है वो सेफेनिन और लेसिथिन होते हैं. और एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स दूसरा घटक है इसका, जिसमें कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में लिपिड और प्रोटीन जो है वो संचित पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं. सो इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. अब हम नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज. मुख्य इसकी कार्य क्या क्या है गोल्गी बॉडीज के. तो ये विभिन्न विभिन्न कार्य जैसे, और इसका मुख्य जो काम है वो सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा लेना है. इसके अतिरिक्त ये जो कोशिकांग है ये विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न करता है. तो उनमें से कुछ क्रियाओं में फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स. इसका मुख्य कार्य जो है श्रवण है, सिक्रीशन है. विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कणिका में जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें जो संश्लेषित पदार्थों का स्थानांतरण गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, और वहां से ये प्लाज्मा झिल्ली द्वारा
साइटोसिस की क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मेन जो बहुत एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड सिक्रेशन। नेक्स्ट इज हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम बनाने में मदद करने में भी। बॉबिन के अनुसार गोल्गाई कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम सिंथेसिस के सेंटर होते हैं, एंजाइम संश्लेषण के केंद्र होते हैं। इस प्रकार से ये एंजाइम फॉर्मेशन में मदद करते हैं। पैलेट और उसके साथियों ने पैंक्रियास की कोशिकाओं में गोल्गाई कॉम्प्लेक्स से स्रावी स्रावी पुटिकाओं के निर्माण का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि एमाइलेज पाचन एंजाइम का संश्लेषण जो है वो कणिकामय अंतःपदवी जालिका की बाहरी सतह पर उपस्थित राइबोसोम्स में होता है। यह एंजाइम एंडोप्लाज्मिक की झिल्ली से गुजरकर उसकी गुहा में जाता है और वहां से ये छोटी पुटिकाओं में संचित हो जाता है और वहां से ये पुटिकाएं गोल्गाई सिस्टर्न की अग्रमुख पर पहुंच जाती हैं और वहां प्रोटीन का सांद्रण होता है और ये प्रोटीन झिल्ली से गिर जाता है। इस प्रकार से जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहलाती है। ये संरचनाएं जो है क्या कहलाती हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं। और ये जो हैं ये सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं जो कोशिकाओं के शीर्ष पर पहुंच जाती हैं और वहां पर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अपना स्राव पैंक्रियाटिक सेल्स में छोड़ देती हैं। वहां से ये पाचन एंजाइम हाथों में चला जाता है। इस प्रकार से ये एंजाइम फॉर्मेशन में मदद करती है। यह पैंक्रियाटिक एंजाइम के एग्जाम्पल से हमने इसको समझाया। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों की कोशिकाओं में गोल्गाई बॉडीज जो हैं वो हॉर्मोन सिक्रेशन में मदद करती हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। गोल्गाई कॉम्प्लेक्स का मुख्य घटक जो है इसकी वेसिकल्स इसकी वेक्यूल्स में लाइपोप्रोटीन जो है वो इसमें स्टोर्ड रहते हैं और ये श्रवण के कार्य में सिक्रेशन के कार्य में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म्स। गोल्गाई बॉडीज जो हैं वो शुक्राणु परिपक्व के समय एक्रोसोम के निर्माण में मदद करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। गोल्गई जो प्लांट सेल कोशिकाएं हैं उनमें जो गोल्गई बॉडीज हैं वो विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, गामा सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स जो हैं ये संश्लेषित करती हैं, बनाती हैं और ये श्रवण हेतु फिर पुटिकाओं में संचित हो जाते हैं और समसूत्री विभाजन के दौरान जो गोल्गई कॉम्प्लेक्स स्पिंडल के केंद्र में जो सेल प्लेट है उसका निर्माण करती है और इस सेल प्लेट पर गोल्गई बॉडी द्वारा स्रावित विभिन्न पदार्थ जैसे कि पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, माइक्रोफाइबर आके जमते हैं और इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है गोल्गई कॉम्प्लेक्स जो है सेल वॉल के निर्माण में भी मदद करता है और उसके अलावा जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में भी ये मदद करता है। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में भी ये मदद करता है। इस प्रकार से हमने ये देखे कि ये गोल्गई बॉडीज की जो है ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गई बॉडीज या गोल्गई कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।